आज तो ना मैं कोई पब्लिक रिएक्शन लेकर आई हूँ और ना ही कोई कंपैरिजन, बल्कि आज मैं पाकिस्तानी लड़कियों से एक बहुत मजे का सवाल करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे इंडियन बॉयज ये सवाल करते हैं, ये कमेंट करते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत पसंद हैं और अगर वो पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के लिए प्रपोज करें तो क्या पाकिस्तानी लड़कियाँ उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियाँ इंडियन बॉयज को क्या जवाब देती हैं। इंडियन वैसे कुछ खास पसंद नहीं है, ना शक्ल वाइज ना किरदार वाइज, लेकिन अगर उनमें से कोई अच्छा निकल आता है लाइक उसको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मोहब्बत हो जाती है मेरे से, वो कुछ ड्रामेटिक सा कहता है मेरे लिए, फिल्मी सा, तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ इस बारे में, लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप रख के देखूंगी कि यार उससे बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो फिर प्रपोजल के लिए हाँ, इतनी जल्दी हाँ नहीं। हाँ, नखरा दिखाना तो बनता है, मतलब इंडिया से आया है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ तो बनता है ना। कोई भी कंट्री बस हैंडसम होना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो। अच्छा, हाँ, टर्किश वैसे टर्किश हैंडसम पर हैंडसम हो किसी भी कंट्री को चलेगा। फिनलैंड या स्वीडन का प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे वो कंट्रीज दोनों बहुत पसंद हैं, उनकी नेचर की वजह से भी, उनकी स्टडीज की वजह से भी, और बस वो एक ड्रीम रही है मेरा हमेशा से। टर्की हो सकता है, मुस्लिम हो, बस कंट्री कोई मैटर नहीं करती, मुस्लिम हो। नहीं, वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री आपने जाना ही है तो फिर इंडिया ही क्यों, किसी और साइड पे निकलते हैं ना। शादी के लिए यार पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, और यकीन मानिए मेरा कोई ड्रीम भी नहीं है बाहर जाने का। बहुत सी लड़कियों को होता है यार पेरिस जाना, जर्मनी जाना, फ्रांस जाना है, मेरा ऐसा कतन इरादा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मैंने ये सोचा कि यार अपने हबी के साथ बाहर जाऊंगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में रहूंगी, और शादी के लिए एक सिटी अगर पूछें तो मैं इस्लामाबाद या लाहौर को प्रेफर करूँ। कोठी, गाड़ी, बस पैसा मैं खुद भी कमा रही हूँ तो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ को चलाने के लिए आगे। जाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पैसे के साथ इंसान चल रहा है, तो वो जाहिर है वो मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग वो सारा कुछ तो लाजमी है। तो जिसके लिए मैं आऊँगी तो मैं इसे ही एक्सपेक्ट करूँगी, सिर्फ मैं ही हूँ उसके लिए। पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा ज़रूरत नहीं, पैसे को इतना रखा जाए कि वो आपके, सारी बात है खाना पीना पहनना ओढ़ना सब पैसे से ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसे को ओढ़ना बिछोना बना लिया जाए, पैसा सब कुछ है। एट लास्ट रहना तो उस बंदे के साथ है, पैसे के साथ तो नहीं ना रहना। दोनों आजकल जो है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से। यार उनको ये पैगाम देना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम कबूल कर लें, उसके बाद ये वो सोच है जो हर इंसान की होती है, या सबसे पहले हमारा इस्लाम कबूल कर लें, पाकिस्तान में आए, आपकी मोहब्बत को तोलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अब गरीब के साथ तो ही ना शादी हो सकती, पैसा होना चाहिए, मतलब कि इतना ज्यादा भी ना हो, नॉर्मल हो तो फिर इंसान शादी कर ले, गरीब के साथ कैसे शादी करेगा, खाना पीना नहीं। मैं खुद पैसे वाली हूँ तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर अ पैसे वाला, क्योंकि सुकून जो होता है वो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली इंसान स्ट्रांग है तो वो खुश है, अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो सारे मसले वहीं से स्टार्ट होते हैं। आपके घर में खाने का कुछ नहीं है तो आपके घर में मसले हैं, और मसले हैं तो लड़ाई हैं, और लड़ाई हैं तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। जो इंडियन लड़के मुझे इस टाइम देखे हैं कहूँगी कि ऐसी कोशिश भी मत करना मुझे प्रपोज करने की, और अगर कर भी दी तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेशन लगा लेंगे, कुछ सोच लेंगे, लेकिन ना हाँ नहीं होने वाली ये वाला काम नहीं होगा यहाँ से। मेयार कुछ ऐसा है जो एट वंस नहीं पता चल सकता, आप टाइम स्पेंड करते हो साथ तो ही पता चलता है, लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट करता हो, एजुकेटेड हो बस। यार ये कैसा सवाल है, पाकिस्तानी मुंडे मर गए ने, सोचो मर गए फिर की करोगे मर भी गए ना फिर भी इंडिया वालों से शादी नहीं करनी। आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए यार, इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो, बस ये दो चीजें काफी हैं जिंदगी निभाने के लिए। मैं उन्हें ये कहूंगी कि अगर वो सच में पसंद करते हैं बगैर किसी लालच के या बगैर किसी चीज के, तो वो प्रपोजल भेजें, और अगर उनकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ मिलती है, अगर लड़की हाँ करती है तो ठीक है करें। होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है और हर कोई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती हैं तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने उनको वैसे ही रखा हुआ होता है, तो इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं, वो ऐसे तो नहीं किसी के साथ भी मुंह उठा के चल पड़ेंगी। यार रणवीर कपूर को और लड़कियां काफी हैं, हम क्यों, मतलब बंदा सोच वो रखे ना, खुद बताए ना, सोच वो रखे कि यार मतलब यहाँ पे जाके छक्का चौका लगेगा, वहीं पे जाके बंदा सोच भी सकता है। डिपेंड करता है वैसे लड़का कौन है, लेकिन अगर मैयार पे पूरा ना उतरा तो इनकार 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 आप ट्राई कर सकते हैं,
पर चांसेस बहुत कम है, सॉरी खत्म हो ही नहीं सकते, लाइन लगी हुई। मैं पाकिस्तानी को लिफ्ट नहीं कराती। मैं तो भाग के शादी कर लूँगी, वो मेरे लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है। 80% तक बिल्कुल ये सच है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं एक पैसा भी मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए, अगर वो मेरी सोच के साथ मैच करता है, थोड़ा लिबरल होगा, थोड़ा मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग मैच करेगी तो मेरी तरफ से हाँ होगा, लेकिन वो एक सर्टन टाइम के बाद। शादी के लिए यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, और यकीन मानिए मेरा कोई ड्रीम भी नहीं है बाहर जाने का। बहुत सी लड़कियों को होता है यार पेरिस जाना, जर्मनी जाना, फ्रांस जाना है, मेरा ऐसा कतन इरादा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मैंने ये सोचा कि यार अपने हबी के साथ बाहर जाऊंगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में रहूंगी। और शादी के लिए एक सिटी अगर पूछें तो मैं इस्लामाबाद या लाहौर को प्रेफर करूंगी। पैसा जरूरी है लेकिन पैसा जरूरत नहीं, पैसे को इतना रखा जाए कि वो आपके, सारी बात है खाना पीना पहनना ओढ़ना सब पैसे से ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसे को ओढ़ना बिछोना बना लिया जाए, पैसा सब कुछ है। एट लास्ट रहना तो उस बंदे के साथ है, पैसे के साथ तो नहीं ना रहना। फाइन नोट, जो इंडियन लड़के मुझे इस टाइम देखे मैं कहूँगी कि ऐसी कोशिश भी मत करना मुझे प्रपोज करने की, और अगर कर भी दी तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेशन लगा लेंगे, कुछ सोच लेंगे, लेकिन ना हाँ नहीं होने वाली, ये वाला काम नहीं होगा यहाँ से। होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है और हर कोई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती हैं तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने उनको वैसे ही रखा हुआ होता है, तो इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं। वो ऐसे तो नहीं किसी के साथ भी मुँह उठा के चल पड़ेंगी। नहीं, मुस्लिम हो तो फिर सोचा जा सकता है, वरना फिर सॉरी। मैार कुछ ऐसा है जो एट वंस नहीं पता चल सकता, आप टाइम स्पेंड करते हो साथ तो ही पता चलता है, लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट करता हूँ, एजुकेटेड हो बस।